वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगले 6 दिनों के अंदर यह बड़ी घटना होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटना आपके परिवार में घटने वाली है जिसके बारे में दोस्तों आप कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। आपको विस्तार से बताएंगे कि अगले 6 दिनों के अंतराल में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएँ घटने वाली है जो कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है। दोस्तों, समय बहुत कम है और मुसीबत बड़ी है। अगर बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें और जो जो बातें हम आपको बताएंगे उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों ने भी दे दिए भारी संकेत कि अगले 6 दिनों तक हो जाइए सावधान। दोस्तों, अगले 6 दिनों तक आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और लेन देन के लिए समय कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखनी है और किस तरह से संभल कर कार्य करनी है ताकि दोस्तों आप खतरों से कोसों दूर रह सकें। सबसे पहले, सभी राम भक्त जो अपने राम जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के शुभ विचार से। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा रखो, जब बुरा वक्त आएगा तो उस समय यही पैसा काम आएगा। लेकिन दोस्तों, हम कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्तों, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं भी असफल नहीं होता है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई हो और भगवान पर अगर आपको भरोसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। इस समय ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होने वाली है। काम का बोझ तो अधिक रहेगा परंतु दोस्तों, सफलता मिलने से थकान आपके ऊपर हावी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी भी पड़ोसी के साथ बहस जैसी स्थितियां बन सकती है जिसकी वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी रहेगी। परिस्थितियों को तनाव की बजाय धैर्य और संयम से सुलझाने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय दिखाने की प्रवृत्ति से दूर रहने का प्रयास करें। अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने से पहले पुनः विचार करना आपके लिए जरूरी रहेगा। आपकी देखिए लापरवाही और आलस्य की वजह से बनते हुए काम बीच में ही बिगड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अभी आपको देखिए कोई भी लापरवाही करने से बचना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए दोस्त अथवा किसी बाहरी लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकती हैं। सितारे कहते हैं कि आपके साथ इस समय धोखाधड़ी हो सकता है और आप किसी गलत कामों में अग्रसर हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें और रिश्तों को बचाने के लिए अपने व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय अगर आप कोई गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक कीजिएगा।
अन्यथा आपको इस समय चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान रखें और इस समय बच्चों की गतिविधियों और संगति पर भी पैनी नज़र रखना जरूरी है। और आपकी कोई खास वस्तु गुम हो जाने से चिंता रहेगी, इसलिए आपको उचित संभाल कर रखना बेहद जरूरी रहेगा। साथी दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आपकी कोई समस्या हल होगी और आप अपने कार्यों को प्रगति उचित ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बन सकती है। वहीं दोस्तों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में और आवेश में और लापरवाही में ना लें, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगा और परेशानी आपको ही होगा। इसलिए संयम रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के परेशानियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और कार्य को आगे का टालने का प्रयास ना करें। जो समय कार्य है उसको उसी समय में करने का प्रयत्न करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वह कार्य उसी समय के लिए होता है। अगर आप उसे टालने का प्रयास करेंगे या सोचेंगे उसे बाद में करेंगे तो वह हमेशा के लिए पेंडिंग में धरा रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कुछ ना कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी। बेहतर होगा कि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों की उचित रूपरेखा बना लें। किसी की गलत सलाह पर अमल करना आपके लिए अभी नुकसानदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें और इस समय किसी दूसरे की बनावटी बातों में लगने से अभी आपको खासकर बचना चाहिए। जो विरोधी है अभी सक्रिय रहेंगे, वह नुकसान पहुंचाने की भरसक प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। इसके उपरांत अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं तो समय अनुकूल है, किसी भी तरह का रिस्क ना लें। रिस्क वाला अगर कोई कार्य है तो उसे आप अभी स्थगित रख दें और ना ही किसी निवेश करें। थोड़ी सी सावधानी आपके लिए फायदेमंद रहेगी और थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबतों में डाल सकती है, इस बात का अभी आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत व्यवसाय से संबंधित कोई भी डील फाइनल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। टैक्स संबंधित फाइलों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखें। अगर आप कुछ नया कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कोई पेपर वर्क वगैरह है तो उस पर अभी आप हस्ताक्षर करने से पहले दोबारा जरूर सोच लें या फिर पूरी फाइलों को पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय देखिए वैवाहिक जीवन में मधुरता तो बनी रहेगी, घर के देखरेख तथा स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समय निकालना आपके लिए जरूरी है। कुछ समय अपने माता पिता के साथ जरूर व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो यह समय सर्वाइकल व कंधों का दर्द आपको इस समय परेशान कर सकता है। योगा और व्यायाम पर पूरा ध्यान दें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, खास उपाय की अगर बात करें तो घर से निकलते समय अगर कोई कामों में जा रहे हैं तो घर से मीठा खाकर निकलें। कामों में आपको